चलो स्टूडेंट्स आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसके अंदर मैं आपको बोयेंसी भी पढ़ाऊंगा साथ में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। एक पत्थर है जिसको के बांधा हुआ है एक रबर के साथ। तो ये जो स्टोन है इसको हमने रबर के साथ बांधा हुआ है। जैसे हम इस स्टोन को अपने हाथ से छोड़ेंगे तो ये रबर की जो साइज है धीरे धीरे क्या होगी, जो पहले जो साइज थी उससे साइज बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? बिकॉज ये पत्थर है, इसका कुछ वेट है और वो नीचे की तरफ उस पर फोर्स लगा है, इसलिए जो रबर है इसकी साइज थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी पत्थर के वेट की वजह से। अब यही सेम वाला पत्थर हमें ले करके रबर के साथ में, और उसको एक पानी के अंदर, कोई एक वास है जिसके अंदर हमने पानी भरा हुआ है उसके अंदर हमें डालना है। हमें कोई तरह से इस पत्थर को नीचे टच नहीं होने देना है, बस पानी के अंदर कहीं बीच में रखना है। तो स्टूडेंट्स आप नोटिस करोगे कि ये जो रबर है इसकी साइज थोड़ी सी भी कम हो चुकी है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि पहले जितना वेट, जो फोर्स हमें लग रहा था इस पत्थर को उठाने के लिए, इससे अभी जो वेट है वो थोड़ा सा कम हो चुका है, अभी उतना फोर्स नहीं लग रहा। तो इसका मतलब जो वाटर है ये इस स्टोन को ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही, ऊपर की तरफ थोड़ा धक्का लगा रही, और इस फोर्स को हम बोलते हैं बोयेंसी या फिर बोयेंस फोर्स। दूसरा क्वेश्चन कि इसके अंदर फोर्स कितना लगा, तो उसका क्वेश्चन का आंसर देते हुए आर्किमिडीज ने कुछ अपना प्रिंसिपल ये दिया है कि व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड फुल्ली और पार्शियली इन अ फ्लूइड, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। तो इसको समझाने के लिए फिर से आया था इसी फिगर के ऊपर। स्टूडेंट्स मान लो कि हमने ये वास के अंदर अभी पत्थर नहीं डाला हुआ है और पानी जो हमने फुल भरा हुआ है, एकदम बिल्कुल ही थोड़ी सी भी जगह नहीं छोड़ी, पूरा पूरा पानी भर दिया। इस वास के आसपास हमने कोई चीज रखी जिससे इसमें से जो भी पानी गिरे वो हम कलेक्ट कर सके। अब इसके अंदर हम पत्थर डालेंगे, जैसे स्टोन एंटर होगा इस वास के अंदर वैसे ही इसमें से पानी धीरे धीरे गिरना स्टार्ट होगा। इसमें से कितना पानी गिरेगा? तो उतना पानी गिरेगा जितना ये पत्थर है वो जितनी प्लेस है वो रोकेगा। तो इससे जितना पत्थर का साइज होगा उतना पानी इसमें से बाहर गिर जाएगा। तो जितना पानी बाहर गिरा हुआ उस पानी का जितना वेट है उसके वेट जितना फोर्स इस पत्थर पे जो वाटर है ऊपर की तरफ लगाएगा, ऐसा आर्किमिडीज ने हमें बताया। तो फिर से रीड करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल को। व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुली और पार्शली इन अ फ्लूइड, मतलब कि जब आप किसी फ्लूइड के अंदर किसी बॉडी को डालते हो, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स, तो उससे उसके ऊपर एक ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, एंड दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। और वो कितना होगा फोर्स? तो जितना वेट उसमें से डिस्प्लेस हुआ है, उसमें से नीचे गिरा है जितना वेट का वाटर, उतना ही फोर्स उसके ऊपर ऊपर की तरफ लगेगा, ऐसा आर्किमिडीज ने बताया। तो स्टूडेंट्स कुछ कुछ चीजें जो पानी के ऊपर फ्लोट करती है, कुछ कुछ चीजें उसके अंदर सिंक करती है, तो उसका रीजन क्या हो सकता है? तो कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर जो भी फ्लूड है वो इतना बोयंस फोर्स लगा पाते हैं कि फोर्स के वजह से वो चीजें बिल्कुल ही सरफेस पे आती है और तैरने लगती, जबकि कुछ चीजों के ऊपर बोयंस फोर्स है वो उतना नहीं लग पाता जितना, जिससे वो ऊपर की तरफ तैर सके, तो वैसे जो चीजें वो पानी के नीचे आ जाती है और वो पानी में सिंक करती। नेक्स्ट इज रिलेटिव डेंसिटी। तो पहले तो डेंसिटी एक बार याद कर लेते हैं, डेंसिटी क्या होती है? तो डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी को डिवाइड करने पे हमें डेंसिटी मिलती है, इसलिए डेंसिटी का जो यूनिट था वो था किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मास के लिए किलोग्राम और वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब। सो किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि गोल्ड है तो गोल्ड की डेंसिटी होती है 90,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब,
जबकि वाटर, तो वाटर के लिए डेंसिटी होगी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसके ऊपर से हम रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। रिलेटिव डेंसिटी के कैलकुलेट करने के लिए आपको यह चेक करना है कि वाटर के डेंसिटी के हिसाब से जो भी चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है उसकी डेंसिटी कितनी। सो दैट्स वाई द फॉर्मूला विल बी रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। सब्सटेंस की डेंसिटी कितनी है उसको डिवाइड करना है वाटर की डेंसिटी से, इससे आपको आंसर मिलेगा रिलेटिव डेंसिटी का। तो इसी फॉर्मूला को यूज करते हैं स्टूडेंट्स, हम कुछ सम आगे देखेंगे। तो एग्जाम्पल 10.7, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8। रिलेटिव डेंसिटी उसका कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए इसके पीछे 10.8 के बाद कुछ लिखा हुआ नहीं है, राइट। आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा कि सिंस द रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज इट हैज़ नो यूनिट्स। मतलब कि यहाँ पे ऊपर भी डेंसिटी है, यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर भी डेंसिटी है, सो डेंसिटी डेंसिटी के दोनों यूनिट्स कट हो जाएंगे, इसलिए रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी यूनिट नहीं होता। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 क्यूब किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वाटर के लिए डेंसिटी 10 क्यूब है, 10 क्यूब का मतलब 1000 होता है, और यहाँ पे हमें ऊपर एग्जाम्पल्स के अंदर दिया हुआ था कि वाटर की डेंसिटी हो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो 1000 या 10 क्यूब दोनों एक ही हुआ। वॉट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन द एसआई यूनिट। तो सिल्वर की डेंसिटी कितनी होगी वो हमें फाइंड करनी है। सो द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें फॉर्मूला पता है कि रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सिल्वर, मतलब जिसके लिए आपको डेंसिटी फाइंड करनी हो न्यूमरेटर में, और डिवीजन में हमेशा आएगा डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हमने फॉर्मूला पुट किया, इसके अंदर से हमें फाइंड करना है डेंसिटी ऑफ सिल्वर, तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ये डेंसिटी ऑफ वाटर है, इसको हम आने देंगे लेफ्ट साइड में, तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो अभी फॉर्मूला बन जाएगा डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। वैल्यूज पुट करेंगे हम रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर, तो उसका वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर है 10.8। वाटर की डेंसिटी तो वो हमें पता है कि 10 क्यूब, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आंसर आएगा 10,800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे चैप्टर हमारा होता है कंप्लीट। टेक्स्ट बुक में से आपको चैप्टर एक बार अच्छी तरह से रीड कर लेना है। ओके,